22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर को लेकर कुछ ऐसी खबरें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं जिनकी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। ऐसी ही एक खबर है प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर बैठे राम मंदिर का पहला प्रसाद पाने की। दरअसल कुछ कंपनियों ने सीधे तौर पर विज्ञापन देते हुए लिखा कि वो 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा पर राम मंदिर का पहला प्रसाद घर बैठे फ्री में डिलीवर करेंगी। इनमें खाद्य ऑर्गेनिक और मंदिर दर्शन जैसी कंपनियां शामिल हैं। यानी आपको वेबसाइट पर जाकर केवल बुकिंग करनी होगी और प्रसाद आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन सच कुछ अलग है। द क्विंट के फैक्ट चेक के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की वेबसाइट पर प्रसाद डिलीवर करने वाली इन कंपनियों से किसी तरह के समझौते का कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा ट्रस्ट के ऑफिशियल एक्स ट्विटर हैंडल पर इस तरह की कोई सूचना भी नहीं दी गई। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए ऐसे दावों से सावधान रहने के लिए कहा है। विनोद बंसल ने अपनी पोस्ट में लिखा, कभी VIP दर्शन तो कभी घर बैठे प्रसाद के नाम पर अनेकों विज्ञापन राम भक्तों को दिग्भ्रमित कर छल कपट का प्रयास कर रहे हैं। अमेज़न जैसी वेबसाइट पर भी इस तरह के अनेक विज्ञापन देखे जा रहे हैं। समाज को इनसे सावधान रहना होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने किसी को भी इन कामों के लिए अधिकृत नहीं किया। किसी के झांसे में ना आए इन वेबसाइट्स को भी ऐसे झूठे विज्ञापनों को अविलंब हटाना चाहिए, अन्यथा हम कानूनी कार्रवाई के लिए विवश होंगे। फिलहाल हम तो ऐसी फर्जी खबरों से आपको सावधान रहने की गुजारिश करते हैं। आपका ऐसी खबरों के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।